सभी को आशुतोष का नमस्कार। मैंने कुछ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्लांटर्स बनाए हैं। ये पुराने कप है जिसका मैंने यूज़ एज ए प्लांटर किया है, एंड काफ़ी सारे सक्युलेंट्स इस तरह से मैंने उसमें बढ़ाए हैं। गए डेढ़ दो तीन साल के कुछ पौधे हैं जो इस तरह से मैं ग्रो करता हूँ। कुछ नारियल के शेल हैं कि जिसका मैंने उपयोग एज ए स्टैंड बनाकर उसमें कुछ सक्युलेंट्स लगाए हैं। काफ़ी अच्छे बढ़ रहे और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके अलावा कुछ पुरानी बोतल थे जिसको मैंने किसी प्लाईवुड के ऊपर लगाकर ऐसे स्टैंड बनाया है, और इस तरह से इसमें मैं पालक या कोई भी पत्ती वाली सब्जियां मैं उगाता हूं उसमें, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। और ऐसी टोकरियां भी थी, कुछ स्टैंड था सब्जियों की टोकरी का जो पुराना होने के बाद टूट गया था, तो ऐसे मैंने उसके बास्केट्स का यूज़ हैंगिंग प्लांटर के लिए किया है। और उसमें मैं सूखी पत्तियां भरकर सिर्फ मैंने फ़िलहाल तो पालक लगाया हुआ है उसमें, और काफ़ी मुझे पालक अब तक मिला है। इसके अलावा कुछ पुराने डिब्बे थे प्लास्टिक के जो हम पीडियाश्योर जैसे कुछ पाउडर लाते हैं बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक, तो उसके कुछ पुराने डिब्बे थे जिसका मैंने उपयोग गए 3.5 सालों से ऐसे कर रहा हूँ। और हरी मिर्च लगाई है इसमें, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है वो, हर साल बहुत अच्छा आता है उसमें। फ़िलहाल काफ़ी फूल आए हैं, अब तक मैंने 3 बार हार्वेस्ट निकाला है इसका। ये एक नारियल का ऊपर का शेल था जिसका उपयोग एज ए प्लांटर मैंने किया। वैसे तो नारियल का बहुत मैंने उपयोग किया है अलग अलग तरीके से, तो ये ऐसे शेल का यूज़ ऑर्किड लगाने के लिए या ऐसे शो प्लांट लगाने के लिए मैंने बहुत किया है। इसी तरह से ये भी एक प्लांट ऐसे ही मैंने ग्रो किया है, बहुत अच्छा इसमें गए 2.5 साल से ये बढ़ रहा है इसमें। ये कुछ पुराने कोल्ड ड्रिंक के बोतल थे जिसको मैंने लहसुन के पत्ती उगाने के लिए किया है, गार्लिक स्प्रिंग गार्लिक के लिए। ये दाब था टेंडर कोकोनट जिसको हम कहते हैं, मराठी में हम लोग शाहड़ कहते हैं इसको, तो उसका भी उपयोग मैंने ऐसे किया है प्लांटर के लिए। और ये भी गए 3 सालों से इसमें ग्रो कर रहा है, बहुत छोटा लगाया था जब मैंने उसको यूज़ किया था। ऐसे कई सारे मैंने प्लांटर्स इस तरह से बनाए हैं नारियल के दाब के, सिर्फ नारियल का दाब था खाली वाला। उसके बाद नारियल के कुछ शेल भी ऐसे मैंने यूज़ किए हैं कि जिसमें एज ए प्लांटर उसका उपयोग किया है, और बहुत अच्छे इसमें सक्युलेंट्स बढ़ रहे। कुछ मैंने ऐसे उल्टे भी लगाए हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो सारे। पॉटिंग मिक्स की खासियत है, जो मैं पॉटिंग मिक्स यूज़ करता हूँ उसमें से कुछ भी नीचे नहीं गिरता, कैसे भी आप लगाओ उसको, एक बार सेट हो जाए उसके बाद कभी भी नीचे नहीं गिरता वो, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं। जब लगाए थे तब काफ़ी छोटे थे, अब बहुत बड़े भी हो गए हैं। ये एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा था जो मैंने ऐसे यूज़ किया है, हैंगिंग के लिए यूज़ किया है, उसमें कुछ पौधे लगा दिए हैं मैंने, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो सारे। एक तो ऐसा भी रख दिया है टेबल टॉप के लिए, बहुत सुंदर दिखता है दिखने में। ये भी लकड़ी है ये, और बहुत ही वज़न में हल्की है। ड्रमस्टिक जो होती है मोरिंगा जो होता है, उसी पेड़ का ये टुकड़ा था, लकड़ी थी। ये एक पुरानी गाड़ी है, ये ट्रक था जो मैंने ऐसे यूज़ किया है। ये कुछ दोबारा नारियल के कुछ शेल्स थे करोंटी जिसका मैंने ऐसे उपयोग किया है। ये भी एक लकड़ी का टुकड़ा था
जिसका उपयोग मैंने एज ए प्लांटर किया। बहुत ही अच्छे इसमें पौधे ग्रो करते हैं। एक मेरे पास बाम्बू था जिसको मैंने इस तरह से इसमें प्लांट्स हैंग किए हैं। दिखने में बहुत सुंदर दिखता है ये। बाद में ये एक पौधा है जिसको मैंने पुराने कपड़े और सीमेंट के पेस्ट में अच्छे से बनाकर पॉट बनाया था, ऐसे हैंग किया है इसको। ये भी उसी तरह से किया हुआ है, पुराना कपड़ा और सफ़ेद सीमेंट, वाइट सीमेंट उसका उपयोग करके ऐसे बनाया है। उसमें एक नीचे छोटा कप भी है जिसका उपयोग मैं ऐसे प्लांटर के लिए किया मैंने। ये कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा, इतना ये सुंदर बढ़ता है इसमें। ये एक पुराना तवा था जिसका उपयोग मैंने ऐसे किया है प्लांट को लगाने के लिए। हर साल लगाता हूँ, पूरी तरह से भर जाता है, ये बहुत सुंदर दिखता है। एक ये पत्थर था जिसका उपयोग मैंने एज ए प्लांटर किया है। पूरा पोरस है जो एक्वेरियम में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ये भी एक ऐसे ही मार्बल का छोटा सा टुकड़ा था जिसका उपयोग मैंने ऐसे किया है। ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत ही दिखने में सुंदर दिखता है ये, और ग्रो बहुत अच्छा करता है, दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। ये भी एक पत्थर वैसा ही है जो बिल्कुल पोरस है और उसमें मैंने इस तरह से प्लांट्स लगाए हैं, बहुत ही सुंदर ग्रो करते हैं वो। ये एक पुराना शेल था जिसका उपयोग मैंने एज ए प्लांटर किया। ये भी एक कोकोपीट और सीमेंट से बना हुआ सोप केस में छोटा सा पॉट, साबुन वाला जो केस आता है उसी का उपयोग किया था इसको बनाने के लिए। ये एक पुराना मिरर था जिसका मैंने यूज़ ऐसे प्लांटर के लिए किया है। बहुत ही पुराना था, गए 4 साल हो गए, इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं प्लांट्स, हर साल मैं प्लांट्स बदलते रहता हूँ इसमें से। दिखने में बहुत सुंदर दिखता है ये भी। ये पुराना एक मेकअप का बॉक्स था, ऐसे भी मैंने कुछ बाम्बू यूज़ किए हैं। पेपर वेट के लिए हम इसको ऐसे रख सकते हैं टेबल के ऊपर। ये एक पुराना शंख था जिसका यूज़ मैंने एज ए प्लांटर किया है। ये भी एक पौधा संक्रांति के वक्त जो यूज़ करते हैं हम, कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे ही ये भी कैक्टस था एक, कि जो छोटे से प्लेट में लगा है और कुछ भी इसको नहीं होता। ये एक पुराना ग्लास था जिसका यूज़ मैंने ऐसे किया है। ये कुछ कप थे पुराने, ऐसे ही कुछ फ्रेम्स हैं जो बीडिंग स्ट्रिप जो आती है उससे बनाए थे। ये सीमेंट और कोकोपीट से बनाया हुआ एक प्लांटर, ऐसे फ्रेम्स बनाए हैं मैंने पूरे। ये भी एक मिठाई के डब्बे में कोकोपीट और सीमेंट से बनाया हुआ प्लांटर है। ये एक डिब्बा था प्लास्टिक वाला। ये भी एक ऐसी ही प्लांट मैंने पूरा लगाया हुआ है। ये इस तरह से दीवार पे दिखने में दिखते हैं, बहुत ही सुंदर। इसके अलावा ये भी कुछ नारियल के कोरोंटी है जिसका मैंने उपयोग ऐसे किया है स्टैंड बनाने के लिए, ग्लासेस बनाने के लिए, जिसमें मैं सक्यूलेंट्स को लगा सकता हूँ, जो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है जब इसमें प्लांट ग्रो होते हैं। ये इस तरह से मैं इसको लगाता हूँ ताकि दिखने में बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ये स्टैंड्स
बहुत ही सुंदर ग्लासेस दिखते हैं। प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं इसमें भी। कुछ पुराने कुल्हड़ भी ऐसे मैंने उपयोग में लाए हैं। बाद में कुछ ऐसे कोकीडामा मैंने किए हैं, हैंगिंग बॉल्स, कोकीडामा के बॉल्स। ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर आपको दिखेगा। ऐसा है मेरा पूरा बालकनी का गार्डन। आप लोग ज़रूर ऐसी चीज़ें ट्राई करिए, और कम से कम जो कचरा हम बनाते हैं घर में, जो तैयार होता है, उसका उपयोग इस तरह से करने की कोशिश करिए। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।